यूपी के मुजफ्फरनगर हिंसा की सीबीआई जांच करवाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है अते इस याचिका ते आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इस फिरकू दंगिया च 40 तो वद लोगों की मौत हुई सी जबकि 100 तो वद लोग जख्मी हुए ने। इस मामले च 9 पटिशनकर्तावान ने करीब 20,000 पीड़ितों के मुड़ वसेबे अते फिलहाल आरजी वसेबे का प्रबंध करने की मांग की है। उधर मुजफ्फरनगर च हालात सुधरण कर करफ्यू च सवेरे 10 बजे तो शाम 5 बजे तक ढिल दी गई है। बेशक शहरी इलाके च तनाव घटता जा रहा है पर पेंडू खेतरां दी जे गल करिए अजे भी दहशत का माहौल इत्थे कायम है। दैनिक क्रिया की जो वस्तुएं मिलती नहीं है, जैसे दूध के लिए दिक्कत हो रही है, थोड़ी सब्जी के लिए, जब भी डील मिलते हैं तभी जा कर के लेके आते हैं भीड़ में। बस रात को थोड़ा डर रहता है कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि चारों तरफ महामारी है पूरी। कुछ जो आतंकी लोग हैं उन्होंने खराब कर रखा है माहौल बिल्कुल। सब कह रहे हैं कि 15 तारीख से खुल जाएंगे हमारे स्कूल, लेकिन अब पता नहीं है, हमारे पेपर भी हैं 19 तारीख से, अब कैसे देखेंगे, डेट शीट भी नहीं मिली है। मुख्य रूप से तो परेशानी ये है कि सबसे बड़ी बात ये व्यापार जो है वो हमारा यहाँ का कई महीने पीछे चला गया, और इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो व्यापारी समाज का ही है, क्योंकि बाज़ार जो इस समय खुला है कर्फ्यू ढील देने के दौरान, केवल आवश्यक वस्तु जो लोगों की ज़रूरत है केवल वहीं तक सीमित है। अभी लोग बाग डरे हुए हैं और अभी व्यापार भी पूरी तरह से खुल नहीं पाए हैं। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।